हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ। स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर महफूज आलम साहब हैं। ही हैज बीन सफरिंग विद द डिस्क इशू सिंस ऑलमोस्ट टू इयर्स एंड अनफॉर्चुनेटली नोबडी हैज असिस्ट हिज फुट ड्रॉ ड्यू टू डिस्क बल्ज। ही इज हैविंग फुट ड्रॉ एंड ही इज स्टिल नॉट रिकवर्ड विद द फुट ड्रॉ। सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इफ एनीवन हैज दिस प्रॉब्लम। सो इन एक्सट्रीम सिम्टम्स, जिन लोगों को डिस्क प्रॉब्लम होता है उनका जो एक्सट्रीम एक हमारा सिम्टम्स होता है जिसको हम फुट ड्रॉप बोलते हैं। अगर आपको फुट ड्रॉप हुआ है या आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस होना है, ये एक हायर लेवल का इसमें डिस्क इश्यूज में नर्व कॉम्प्रेशन में जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो दो इज रेयर बट इज देयर। सो वन शुड नो व्हेन यू हैव अ डिस्क प्रॉब्लम एंड व्हेन यू हैव अ पेन विच इज गोइंग डाउन इन योर लेग or if you have any nerve root compression like you have numbness and all, always check your foot whether you are able to lift your foot while walking or not. In case if you feel that your foot is getting weak and you are not able to lift your foot, please go to the doctor and get your checkup done and get the treatment done as soon as possible. So Mehfooz bhai, since how long, kab se aapko ye problem hua? Ye mujhe pichle 2 saal se hai ye issue. 2 saal se issue tha aapko? Ji. तो इसमें आपने जो जैसे आपने बताया कि कई सारे डॉक्टर्स ने आपका फुट चेक नहीं किया और उसकी वजह से काफ़ी टाइम तक आपको ये नहीं मालूम चला कि आपको फुट ड्रॉप है। ट्रू सर, मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों को दिखाया है और जो स्पाइन के स्पेशलिस्ट भी हैं जी, ऑर्थो के भी हैं, तो बट किसी ने चेक नहीं किया मुझे, किसी ने चेक नहीं किया और कभी बस वो दवा देते रहे, टेबलेट देते रहे, एक आध एक्सरसाइज बताया उन्होंने और वो दवा तो मैं मुस्तकिल ले रहा हूँ बट वो रिलीफ नहीं मिला मुझे जो। सो फुट ड्रॉप में बताना चाहूंगा, एक बार आप नीचे कैमरा लाइएगा। फुट ड्रॉप का मतलब ये होता है कि जो हमारे ये फुट हैं, जब हम इनको उठाते हैं तो ये हमको फुट ऊपर उठाने होते हैं। जब हमारा फुट ये हम उठाते हैं ऊपर नहीं उठता है तो इसको फुट ड्रॉप बोलते हैं। तो महफूज भाई का जो हमारा राइट फुट उठा के दिखाइए, राइट फुट इनका ऊपर उठता है और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट को ही इज नॉट एबल टू लिफ्ट हिज फुट। सो दिस इज कॉल्ड फुट ड्रॉप। इसमें जब आप हम चलते हैं तो ये थोड़ा सा लिम्प आ जाता है क्योंकि हमें हाई आर्च करके चलना पड़ता है, हमने पूरा पैल्विस को लिफ्ट करके हिप उठा के चलना होता है। सो दिस काइंड ऑफ वॉक, इफ यू हैव हाई आर्च वॉक देन इट मींस यू हैव वीकनेस इन योर फुट एंड यू हैव फुट ड्रॉप। सो ऑलवेज चेक इफ यू हैव अ डिस्क प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिस्क प्रॉब्लम, ऑलवेज चेक योर फुट व्हाइल स्टैंडिंग व्हेदर यू कैन लिफ्ट योर फुट और नॉट। इफ यू आर नॉट एबल टू लिफ्ट योर फुट इट मींस यू हैव अ सिम्पटम्स ऑफ फुट ड्रॉप। तो यहाँ दबाने से आपको नीचे लेग में सेंसेशन हो रही है। यस, सो ये दिस इज योर L5-S1 एंड ड्यू टू नर्व कंप्रेशन व्हेन आई एम प्रेसिंग दिस एरिया यू कैन फील सेंसेशन इन योर लेग। यस यस यस, थोड़ा सा ढीला रखिए, लूज, रिलैक्स, यस, टोटल रिलैक्स, relax. The more you keep it relaxed, it is easier for me to adjust your spine. Yes. Relax. Breathe in. Lamba saans lein. Breathe in. Breathe out. Yes. Turn the side. Push the cover in. Loose. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Bilkul nahi lagti. Breathe out. Seedha ho jaye. Up. Very good. Excellent. डाउन, आप आराम आराम से खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते जाइए, गुड 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 गुड, डाउन, हाँ फिर आप, 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 आप। ये आपने फोकस करके घर पे इसको मूवमेंट को जितना आप चलाएंगे उतना जो नर्व ऊपर से खोल लें उसकी सप्लाई नीचे आना शुरू होगी। ठीक है, प्लीज। सो इफ यू हैव दैट फुट ड्रॉप देन प्लीज गेट योर चेकअप डन। सो महफूज भाई, अभी मैंने जो आपका एडजस्टमेंट किया है थोड़ा सा एक जिसको हम फ्लिकिंग मूवमेंट बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा फ्लिकिंग मूवमेंट आपके फुट में दिखाई दिया है अभी इमीडिएटली एडजस्टमेंट करने के बाद। तो इसको और आगे इम्प्रूव करने के लिए
आपने जो फोकस करना है वो एक्टिव एक्सरसाइज है, जिसमें आपने पंजे को लेट के अपनी तरफ खींचते रहना है। आपने कंटिन्यूसली अपनी नर्व को इंस्ट्रक्शन देना है ऊपर आने के लिए। तो जहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है इंस्ट्रक्शन पे, जब ब्रेन से इंस्ट्रक्शन वहाँ पे कंटिन्यूसली जाते रहेंगे तो वो वहाँ से पास होना शुरू करेंगे। दूसरा, इसका जो है नाइट स्प्रिंट या जो वॉकिंग स्प्रिंट है वो जरूर लगाइए, नहीं तो जब तक आपका रिकवरी होगा तब तक नीचे वाला मसल बहुत टाइट रहता है, तब भी आपका फुट ड्रॉप रिकवर करने में टाइम लगता है। तो ये दो चीज़ें की हैं हमने अभी आपको एक सेशन दिया है, और होपफुली इंशाल्लाह विल अचीव सम रिजल्ट। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो, थैंक यू फॉर शेयरिंग आर वीडियो, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग आवर, प्लीज लाइक आवर वीडियोस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।